दोस्तों, आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है और मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में वो आपको पता है। लेकिन दोस्तों, कई बार कई अच्छे अच्छे काम हमारा मोबाइल कर लेता है। दोस्तों, ऐसा ही एक काम है कि रिमोट का। दोस्तों, हमारी आम जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं इसका रिमोट नहीं मिल पाता है। एक्चुअली ऐसे तो मिल जाता है, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, तो इसका रिमोट है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, ऐसे टाइम पे ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को ही अपनी कोई भी डिवाइस का रिमोट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि DTH हो गया, TV हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, ये A to Z चीज़ का आप अपने मोबाइल को ही रिमोट बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं DTH टिप्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे घर पे एयरटेल DTH का कनेक्शन लगा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो बॉक्स का रिमोट है वो गुम हो गया है। दोस्तों, ऐसे टाइम पे आपका मोबाइल बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये सेटअप बॉक्स का रिमोट बना के दिखाऊंगा और TV का भी रिमोट बना के दिखाऊंगा, वो भी आपका मोबाइल से कंप्लीट ऑपरेट करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा मोबाइल, इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमने एयरटेल का सिलेक्ट किया रिमोट। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए बॉक्स लगाया, यहाँ पे मैंने जो सिग्नल का केबल होता है वो नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे इसका प्रोसेस आपको नज़र में आएगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे ये मोबाइल कोई भी डिवाइस हो इसमें बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपने देख लिया लाइव प्रूफ के साथ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे मैं आपको TV का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बैक करना है और यहाँ पे आपने जो रिमोट ऐड किया है, तो यहाँ पे हमारा सैमसंग का TV है, तो यहाँ पे मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा मोबाइल है वो सैमसंग का रिमोट बन गया। यहाँ पे मैं आपको ऑडियो बढ़ा के दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने वॉल्यूम प्लस पे बटन प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा ऑडियो बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, और जैसे मैं माइनस करता हूँ तो ऑडियो हमारा माइनस हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। मैं सोर्स प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैंने सोर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा सोर्स चेंज होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे HDMI पे लगा था, अभी RF पे हो गया। फिर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में कि सोर्स हमारा चेंज हो रहा है, PC हो गया। फिर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा सोर्स बहुत अच्छे से वर्क करता है, यानी कि हमारा जो मोबाइल है वो TV का बहुत ही अच्छा रिमोट बन गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका नाम है MI रिमोट। दोस्तों, इसका आइकॉन इस टाइप का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस नज़र में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रिमोट ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऊपर प्लस का बटन दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, जैसे कि MI TV का बनाना है, फिर आपके TV का बनाना है, सेटअप बॉक्स का, AC, फैन, स्मार्ट बॉक्स, AV रिसीवर, DVB प्लेयर, प्रोजेक्टर या कैमरा, ऐसा कोई भी आपके पास डिवाइस हो सबका रिमोट आपका मोबाइल बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम मान लो कि यहाँ पे हम चूज़ करते हैं सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारी कंपनियां आ जाएंगी। यहाँ पे आपकी कंपनी किस कंपनी का सेटअप बॉक्स है इसमें आपको पेयर करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे मान लो कि DD प्रिडिस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे DD प्रिडिस के 30 बॉक्स के रिमोट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एयरटेल का ही दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट में ही है एयरटेल। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस नज़र में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पावर बटन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो भी डिवाइस है इसको ऑन कर देना है और पावर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका बॉक्स ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स है वो ऑफ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको दूसरा करना है। तो इसके लिए दोबारा प्रेस करना है, इसमें भी ऑफ नहीं हुआ। फिर आपको तीसरा करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स है वो ऑफ हो गया है, यानी कि ये तीसरा हमारा वर्किंग है। तो यहाँ पे आपको नीचे नोटिस आएगा, डज डिवाइस टर्न ऑन ऑफ, तो यस कर देंगे तो आपका रिमोट है वो बन जाएगा। और यहाँ पे आपको लास्ट में पेयर कर देना है, तो यहाँ पे पेयर कर देंगे तो आपका रिमोट रेडी हो जाएगा।
अभी दोस्तों ये कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल में इसमें इंफ्रारेड सेंसर होना चाहिए, जैसे कि एमआई के सभी मोबाइल में इंफ्रारेड सेंसर होता है। जिस भी मोबाइल में इंफ्रारेड सेंसर होगा इसमें आप रिमोट बना सकते हो अपने मोबाइल को। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मोबाइल में इंफ्रारेड सेंसर कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर लगा है, तो जैसे मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसका लाइट जलेगा, इंफ्रारेड लाइट। यहाँ पे मैंने ओके किया तो शायद आपको नज़र में आ रहा है कि यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ये काम करता है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं है तो आप इसका अलग से डिवाइस आता है इंफ्रारेड सेंसर, वो आप लगा के भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।